कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी है, जो 11 से सुबह 5 बजे तक का है। इसको लेकर इंदौर शहर में भी काफ़ी एहतियात बढ़ते जा रहे हैं और इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हालांकि 31 को लेकर भी इंदौर पुलिस ने काफ़ी गाइडलाइन बनाई गई है। इसको लेकर हमारी चर्चा हुई इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से। आइए, क्या कहना है उनका इस 31 को लेकर, किस तरह पुलिस सड़कों पर रहेगी और किस तरह की तैयारियां इंदौर पुलिस द्वारा की गई हैं। तो प्रशासन की क्या तैयारियां हैं सर 31 दिसंबर को मद्देनजर रखते हुए? हाँ, मुख्य तौर पे हम जानते हैं कि 11 बजे से 5 बजे तक का कर्फ्यू प्रभावी है, नाइट कर्फ्यू, उसको पुलिस सख्ती से लगाएगी। और इस सप्ताह मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि पिछले सप्ताह पुलिस ने एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, क्योंकि इस साल के अंतिम सप्ताह में दो तरह की शिकायतें मुख्य तौर पर आती हैं, एक तो ओवर स्पीडिंग की शिकायतें और दूसरी जो शिकायत आती है उसमें मुख्य तौर पर शराब पीकर के अल्कोहल पीकर वाहन चलाने की शिकायत आती है। दोनों मुद्दों पर पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है और इसका असर ये हुआ है कि इस पूरी कार्रवाई से एक्सीडेंट्स में काफी कमी आई है, कोई भी गंभीर या घातक एक्सीडेंट नहीं हुआ है। पुलिस इस अभियान को लगातार जारी रखेगी और इसके कारण निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं में न सिर्फ कमी आएगी बल्कि पुलिस को आज की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। जी सर, साथ ही में बात करूं बाजारों की, तो बाजारों के लिए बंद होने का क्या समय रहेगा और कैसे इसमें प्रशासन मदद करेगा? इसमें 11 बजे का चूंकि नाइट कर्फ्यू है तो उसके पूर्व में जो दुकानों का जो नियत समय है बंद हो जाएंगे और पुलिस इस नियम को लागू कराएगी कि इसमें 11 बजे के बाद मुख्य तौर पे नाइट कर्फ्यू का जो पालन हो वो सुनिश्चित हो, क्योंकि उल्लास और उत्साह और उमंग सारी चीजें सही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और सुरक्षा है। और मुख्य तौर पे हाल के परिस्थितियों को देखते हुए जो लागू किए गए हैं गाइडलाइन, उनका पालन गंभीरता से कराया जाएगा। सर साथ ही में बात करूं पब और क्लब की, तो जैसे कल्चर जो बढ़ा जा रहा है पब और क्लब को लेकर के, तो उसमें अलग अलग जो समय सीमा तय है उसके आधार पर बंद होंगे और अंतिम रूप से जो 11 बजे के बाद का जो कर्फ्यू है, जो मुख्य तौर पे जो नाइट कर्फ्यू है, वो प्रभावी ढंग से पुलिस लगाना सुनिश्चित करेगी। जी, और कल नए साल को देखते हुए क्या रहेगा, क्योंकि आयोजन भी हो सकते हैं कल? वो आयोजन जो भी आयोजन है वो 11 के पहले समाप्त हो जाएंगे और सेकंड नाइट कर्फ्यू ठीक से लागू हो चुके। जी, लोगों की संख्या के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है ना? वो अलग अलग निर्देश जो संबंधित है वो मुख्य तौर पे जो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त है उनके कार्यालय से अलग अलग जगहों पे किया जाएगा और परिस्थिति के अनुसार किसी को परमिशन की जरूरत होगी तो उसमें वहां से आदेश अलग से जारी किए जाएंगे वहां की परिस्थितियों को देखते हुए। बहरहाल अभी इस बारे में अलग से पुलिस ने कोई निर्देश अलग से जारी नहीं किए हैं, जो नाइट कर्फ्यू से जुड़े जो आदेश हैं वही प्रभावी है। जी सर, धन्यवाद सर। 31 दिसंबर को लेकर इंदौर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी जानकारी हमने प्राप्त की इंदौर के कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र जी से। तो इस बारे में मैं सवाल के लिए अब मेरे साथ हैं स्टूडियो में हमारे सहयोगी जतिन जी। जतिन, सबसे पहले मेरा एक सवाल ये है कि पहले ही कोरोना को लेकर के नाइट कर्फ्यू की जो है गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी, लेकिन 31 को देखते हुए खास तैयारियां की जा रही है, इस बारे में जो है वो पुलिस को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, इंदौर पुलिस, या पहले हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कोरोना के जो बढ़ता प्रभाव है उसको देखते हुए कुछ ना कुछ कठोर निर्णय लेना जरूरी था, जिसको लेते हुए 11 से 5 नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। निश्चित तौर पर आपका ये सवाल भी जायज है कि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू क्यों जी? है ना, क्योंकि इस समय तो लोग घरों पे रहते हैं, फिर ये नाइट कर्फ्यू क्यों? लेकिन क्या इंदौर शहर जो है, इसे कहा जाता है कि ये एक बड़ा शहर है, जहाँ पर भी कहें तो ये शहर भी अब सोता नहीं है, यहाँ भी आप बात मिनी मुंबई कहा जाता है इसको भी। तो निश्चित तौर पर ये जो सकारात्मक पहल सरकार ने की थी कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए, इसका इंदौर पुलिस ने काफी सख्ती से पालन कराया है। हालांकि इसे लगे काफी लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर जो लगातार जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम आया है उसमें लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि शहर को सुरक्षित रखना है, फिर चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर कोविड के दौरान जो संक्रमण फैल रहा है इसकी रोकथाम हो। तो पुलिस प्रशासन जो है या जिला प्रशासन की हम बात करें तो उनका यही कोशिश है कि कहीं ना कहीं इसके जो एक बार फिर इसका प्रभाव देखने को मिला, इसको रोक दिया जाए, इसकी रोकथाम हो, इसको लेकर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और पुलिस
लगातार इसलिए शहर के चप्पे चप्पे पे तैनात है कि लोगों को ये अभी अवेयरनेस अवेयर कर रही है कि देखिए एक बार इस तरह का फिर एक बार हमारे सामने है, हमें घरों में रहना है, 11 बजे का नाइट कर्फ्यू कर दिया गया है 11 से 5, अब उससे पहले फटाफट अपने घर पहुंचे ताकि आप भी सुरक्षित हों और लगातार दूसरी चीज़ों पर भी इस पर लगाम कसनी है। जैसे क्राइम की बात करें, अपराध घटित होने की बात करें, तो पुलिस का इन सभी पे नज़र है। पुलिस पर्टिकुलर एक चीज़ को लेकर नहीं कर रही, पुलिस का कहें कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था हो, आम जनता भी सुरक्षित हो हर तरह से, और जो पुलिस ने गाइडलाइन बनाई है उसका पालन हो। तो निश्चित तौर पर ये जो लगाया गया है नाइट कर्फ्यू, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी पहल है और इसका इंदौर पुलिस जो है काफ़ी सख्ती से पालन करा रही है, और निश्चित तौर पर ये होना भी चाहिए क्योंकि हम लगातार हमने साल 2021 देखा है जिस पर हमने बात भी की, तो कहीं ना कहीं हमें अब अवेयर होना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, यदि आम जनता उनका सहयोग करें, मैं चाहता हूं कि आम जनता यदि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का सहयोग करेगी तो निश्चित तौर पर एक अच्छा माहौल बनेगा, पुलिस के लिए भी सहूलियत होगी। पुलिस नाइट कर्फ्यू में आपको डांटने या उसके लिए नहीं खड़ी है, वो सुरक्षा, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी है, तो निश्चित तौर पर आम जनता को भी उनके सहभागी बनना पड़ेगा और उनका सहयोग करना पड़ेगा। जतिन, देखा जा रहा है कि जब से कमिश्नर रूल लागू हुआ है तब से पुलिस जो है काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है और कार्यवाही पे कार्यवाही भी हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक से जुड़ी हो चाहे वो किसी से भी। लेकिन अब बात करती हूँ मैं 31 दिसंबर की, तो कल नया साल आने वाला है, ऐसे में युवाओं में काफी ज्यादा जोश और उत्साह देखने को मिलता है, पब कल्चर भी हमारे यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है, तो हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि 31 की रात में पब को लेकर के भी काफी ज्यादा वो होता है, और उसके बाद जो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस हैं वो भी काफी बढ़ते हैं। जैसा कि मेरी बात हुई है सर से, तो उन्होंने इस बारे में कहा है कि ब्रीथ एनालाइजर से चेक किया जाएगा, तो इस बारे में कुछ विशेष की क्या होता है और ये हमारे दर्शकों को अगर आप समझाएं। देखिए 31 निश्चित तौर पर 31 मनाना चाहिए, इसके लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि 31 नहीं मनाना चाहिए जी। लेकिन हमें वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान में जो स्थितियाँ हमारे सामने है उस पर भी प्रकाश डालना जरूरी है, उसको देखना है कि आखिर हालात क्या हैं, क्यों रोका जा रहा है, हमें क्यों मना किया जा रहा है, तो उसके पीछे का कारण यही है कोविड। एक बार फिर कोविड के हम संभावित देख रहे हैं, आप भी लगातार खबरों से अपडेट हैं कि कोविड के जो मामले लगातार फिर बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर उसमें ही एक जो पहल है जिला प्रशासन की या प्रदेश सरकार की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। और रही बात 31 की, तो ये साल हम हर साल 31 मनाते हैं, हमने पिछले साल यदि हम साल 2020 की बात करें या 2021 की, दोनों ही कोविड के दौर रहे हैं, उसमें हमने कहीं ना कहीं 31 अपने घर पर बनाए, क्यों? क्योंकि उस वक्त जो पिक था इसका वो था, कहीं ना कहीं हमने भी ये समझा, आपने, मैंने, हमारी फैमिली ने ये चीज़ समझी कि नहीं, हमें घर पर रहना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं संक्रमण जहां पर ज्यादा भीड़ रहेगी, क्योंकि जिस तरह आप लगातार अपने जब बात करती हैं तो एक बात कहती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग काफी जरूरी है, तो निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग कब होगी? इस तरह की पार्टियों में या इस तरह की जो पब में जो रहते हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है, इसलिए जिला पुलिस प्रशासन ने, अब जिस तरह बात करें कि कमिश्नर सिस्टम, निश्चित तौर पर पुलिस या कमिश्नर सिस्टम से पहले भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, अब और अपडेट हो गई है, मैं यूँ कहूँगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम आने के बाद इंदौर पुलिस और अपडेट हो गई है बाकी, और उसको लेकर उनके जो प्रयास हैं और भी बढ़ गए हैं, और इसी को लेकर ये जो गाइडलाइन जारी की है कि अब 11 बजे से पहले सारे जितने भी आयोजन बंद हो जाएंगे, सब अपने घर पहुंच जाएं और घर पे बनाएं, किसी को ऑब्जेक्शन तो है नहीं, है ना? आप में हम हमारे घर पे भी 31 अपने परिवार के साथ मनाते हैं और मनाएंगे, इसके जरूरी नहीं कि हम उसके लिए पब में जाएं, और ये बहुत अच्छी सकारात्मक पहल है कि 11 बजे से पहले सारे आयोजनों को पुलिस का सख्ती देखने को मिलेगी और सब बंद होंगे, लोग अपने घरों में होंगे। जिस तरह आपने बात की कि स्पीड सड़क दुर्घटनाओं की, तो निश्चित तौर पर शहर में लगातार यातायात विभाग ये जागरूकता फैला रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इंदौर पुलिस और यातायात विभाग जो जो प्रयास कर रहा है, मैं खुद फील्ड में रहता हूँ, मैं देखता हूँ, इतना प्रयास कर रहे हैं वो, लगातार जागरूकता अभियान कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप यातायात नियमों का पालन करें, बिल्कुल धीमे आप अपने वाहन चलाएं, क्योंकि गति से क्या, आप यदि आपको जल्दी जाना है तो 5 मिनट पहले निकलिए ना, क्या होता है लगातार आदमी जब गति में आता है और स्पीड से गाड़ी चलाता है तो कहने की सड़क दुर्घटना को निमंत्रण देता है, और वो खुद तो चोटिल होता है लेकिन सामने वाला जिससे वो उसकी गाड़ी टकराएगी, एक्सीडेंट होगा तो कहने की उसको भी क्षति पहुंचती है, तो इस पर भी लगाम कसना बेहद जरूरी है। उसको लेकर भी पुलिस ने कहा है कि वो स्पीड रडार से चेक करेगी कि किसी वाहन की स्पीड तो ज्यादा नहीं है, तो कहने का इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को रोकना। आपने एक दूसरा सवाल किया कि नशे पर किस तरह के, निश्चित तौर पर 31 है, युवाओं में जोश रहता है और कहीं ना कहीं इसमें नशे से भी लोग गाड़ी वाहन चलाते हैं, तो वो भी एक दुर्घटना का मुख्य वजह है।
नशा भी एक दुर्घटना का एक्सीडेंट की मुख्य वजह है, तो उसको रोकने के लिए भी पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर की किया है। यदि हम इंदौर शहर की बात करें तो प्रमुख चौराहों पर निश्चित तौर पर पुलिस खड़ी रहेगी और ब्रेथ एनालाइजर से लगातार वाहन चालकों को रोककर ये चेक किया जाएगा इन्हें शराब तो नहीं पिए, और यदि वो कार्रवाई से बचना चाहे तो मैं भी कहूंगा कि अवेयर है, क्योंकि पुलिस काफी सख्त है और सख्ती से कार्रवाई करेगी और निश्चित तौर पर हमें भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए। मेरी दृष्टि से ये बिल्कुल जरूरी है कि यदि पुलिस वहाँ पे है तो आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, या आपको रोक रही है या करें आपके आपके स्वागत में आप नए साल का स्वागत करें उसमें पुलिस खलल नहीं करेगी। लेकिन पुलिस की जो जिस तरह से उन्होंने गाइडलाइन बनाई है कि स्पीड से वाहन चलाने वाले और नशा करके घूमने वाले, क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि नशे में लोग उत्पात भी मचाते हैं, बिल्कुल सामने आती है कि लगातार नशे में युवा उत्पात मचा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आज जो लोग हैं आम जनता को इससे नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो यदि कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आम जनता ही पड़ता है, तो पुलिस उसकी रोकथाम के लिए कर रही है। और निश्चित तौर पर पुलिस ने जो जो ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर जो केस कार्रवाई करेगी या स्पीड जो वाहनों की गति की रोकथाम को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है काबिले तारीफ है। बिल्कुल, तो आप भी नया साल मनाइए और बेहद खुशी से मनाइए, साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप पर कोई कार्यवाही ना हो तो आप भी पुलिस की इस पहल में उनका उनकी मदद जरूर करें। और साथ ही खबर मध्य प्रदेश की तरफ से आप सभी लोगों को आने वाले साल की बहुत बहुत बधाइयां हैं। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश।